इसके बारे में कहा जाता है कि 100 पढ़ा लिखा में एक प्रताप गढ़ा, तो यही कहा जाता है ना। यानी दुनिया में कोई 100 पढ़ा लिखा होगा लेकिन वहां एक प्रताप गढ़ा पहुंचा है तो प्रताप गढ़े के अलग से पहचान हो जाता है। आज जिन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लेकर के आदरणीय गडकरी जी आपके बीच में आए हैं, बात महत्वपूर्ण है। प्रतापगढ़ से अयोध्या सुल्तानपुर होते हुए अयोध्या को जोड़ने के लिए, क्योंकि अगले वर्ष के प्रारंभ में ही सैकड़ों वर्षों के इंतजार को समाप्त करते हुए रामलला अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे, भव्य मंदिर में विराजमान होंगे और तब प्रतापगढ़ से अयोध्या की दूरी 4 लेन की कनेक्टिविटी को देने के लिए आप स्वयं माननीय गडकरी जी आपके बीच में आए हैं। सीएम योगी ने कहा कि विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, आज प्रतापगढ़, कोई सोचता था कि प्रतापगढ़ में भी कोई मेडिकल कॉलेज होगा, लेकिन आज प्रतापगढ़ में एक मेडिकल कॉलेज, प्रतापगढ़ के पास अपना मेडिकल कॉलेज, प्रतापगढ़ के पास आज हमें सभी प्रकार की सुविधाएं हैं जो एक सामान्य जनपद के अंदर उन्हें उन नागरिकों के लिए आवश्यक है। मैं जब यहां पर देखता हूं कि सर्वाधिक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य हमारी सरकार के ही मंत्री पहले डॉक्टर महेंद्र सिंह ने और बाद में मोदी सिंह जी ने हर जरूरतमंद को पीएम आवास उपलब्ध करवाने का कार्य किया, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में हम जब बात करते हैं तो भाइयों बहनों 54 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। 54 लाख गरीबों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज का है और वहां अभिभूत थे जहां वाराणसी एयरपोर्ट से वाराणसी के बीच 4 लेन की सड़क देखी उन लोगों ने, जो लोग 5 वर्ष पहले 8 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले काशी आए थे उस समय काशी के जाम में उन्हें फंसना पड़ा था, लेकिन जब कल उनको वाराणसी में आने का अवसर प्राप्त हुआ तो उन्होंने देख करके वे अभिभूत थे कि 4 लेन की कनेक्टिविटी चाहे वहां एयरपोर्ट से काशी के अंदर का हो, प्रयागराज से काशी का हो, गोरखपुर से काशी का हो या लखनऊ से काशी का, ये 4 लेन की कनेक्टिविटी से पूरी काशी जुड़ी हुई थी। गंगा की आवरण और निर्मल धारा को देख करके भी अभिभूत थे। रात्रि में उन्होंने गंगा आरती के दृश्य के साथ जुड़े थे और गंगा आरती के दृश्य के साथ जुड़ करके अविरल गंगा निर्मल गंगा के संकल्प के साथ नमामि गंगे परियोजना की सफलता की नई कहानी के साथ भी हमारी विदेशी मेहमान जुड़े थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत के प्रत्येक नागरिक के मन में विकास की आकांक्षाएं के नेतृत्व में ये नया भारत आज दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, दुनिया भारत की तरफ आकर्षित होने के लिए मजबूर है। आज इस बात को देख रही भारत की प्रगति से, भारत के अंदर चल रही गरीब कल्याणकारी योजनाओं से, देश के अंदर हो रहे परिवर्तन से और भारत के प्रत्येक नागरिक के मन में विकास के प्रति जो जज्बा है इसको देख करके आज अद्भुत है और उसी अभिभूत के अवसर पर आज हम सब उपस्थित हुए हैं प्रयागराज और प्रतापगढ़ जनपद में, जब माननीय गडकरी जी इन सभी परियोजनाओं का आधारशिला रखने के लिए यहां पर प्रतापगढ़ में स्वयं पधारे हैं।
भीषण गर्मी और भीषण गर्मी के बीच भी जनता जनार्दन की सुध लेने, विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का जज्बा आज माननीय गडकरी जी को प्रतापगढ़ की धरती पर लाने के लिए, आने के लिए उन्हें आमंत्रित करने में अत्यंत प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति कर रहा है। मैं इस अवसर पर माननीय गडकरी जी का आप सब की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आप उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों का हो या फिर कानून व्यवस्था की स्थिति का, आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर वही उंगली उठाएगा जिसको या जिसके व्यक्तिगत हितों पर हम लोगों ने उनके नाजायज कार्यों को रोकने के लिए उसके व्यक्तिगत हितों पर प्रहार किया होगा, वही व्यक्ति प्रश्न खड़ा कर सकता है शेष उत्तर प्रदेश के अंदर आज विकास और सुरक्षा का जो माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, यह एक नजीर भी बन रही है और इसे हर हाल में हमें